वीकेंड पर आपके फेवरेट स्टार्स को कहां किया गया स्पॉट, लेट्स टेक अ लुक। सबसे पहले बात आयुष्मान खुराना की लेटेस्ट रिलीज अंधाधुन की सक्सेस बैश की, जहां नजर आए इस फिल्म के डायरेक्टर श्रीराम राघवन के साथ ही दिव्या दत्ता। वेल, यहां आयुष्मान की अपकमिंग फिल्म बधाई हो की को स्टार सानिया मल्होत्रा भी पहुंची आयुष्मान को कंग्रेचुलेट करने। And I'm very very happy for Ayushman. Obviously the film is amazing and it's doing very well. I feel really good about it. Congratulations to him and the entire team. Well, इस वीकेंड पर फिल्ममेकर करण जौहर, मलाइका अरोरा और किरण खेर को किया गया स्पॉट उस टैलेंट बेस्ड रियलिटी शो के लॉन्च पर, जिसे ये तीनों स्टार्स करते हैं जज। हालांकि यहां करण ने मीडिया से बात नहीं की, पर मलाइका और किरण ने इंडिया में शुरू हुए #MeToo मूवमेंट पर बात की और शेयर किए अपने व्यूज। तो मुझे लगता है कि अगर आप इससे पहले ही इसके बारे में आवाज उठाएं, इतना इंतजार ना करें, तो वो बेटर होगा सबके लिए। एंड एवरी इंस्टीट्यूशन मस्ट एनफोर्स द विशाखा गाइडलाइंस, क्योंकि देश में लॉज हैं इसके अगेंस्ट। अगर आप उसे एनफोर्स ही नहीं करेंगे, आप उन लोगों की नज़रों में ही नहीं लाएंगे कि ये हो रहा है। तो सोशल मीडिया पे मूवमेंट चलाकर भी कितना कर लेंगे आप, मुझे बताइए। बहुत सारे लोग अभी भी छूट जाएंगे, बहुत सारे लोग, कोई झूठ भी बोल सकता है, कोई सच भी बोल सकता है। इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड व्हाटएवर इट इज। लव यात्री स्टार्स आयुष शर्मा और वरीना हुसैन अपनी फिल्म की रिलीज के 10 दिन बाद भी जमकर कर रहे हैं अपनी फिल्म को प्रमोट, और वीकेंड पर ये दोनों स्टार्स पहुंचे नवरात्रि का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने एक गरबा पंडाल में, जहां इन्होंने किड्स के साथ एंजॉय किया गरबा और डांडिया। वेल, वीकेंड पर फिल्म मेकर जोया अख्तर ने सेलिब्रेट किया कुछ क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ अपना बर्थडे। जोया की बर्थडे पार्टी में हमने स्पॉट किया करण जौहर, शबाना आजमी और जावेद अख्तर के साथ ही फिल्म मेकर किरण राव, अभिषेक कपूर, शाहरुख खान और गौरी खान के साथ ही कई और सेलिब्रिटीज।